कल रिपोर्ट में आपके पेट स्कैन में डायग्नोज हुआ है कैंसर, और अब क्या किया जाए, क्या लाइन ऑफ एक्शन फॉलो किया जाए? नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर इलर सेंटर। ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिनको अभी रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ है। क्या ऑप्शन किया जाए? जब आप सर्जन के पास गए, सर्जन ने बोला इमीडिएट एडमिट हो जाइए, आपको इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ेगा। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने आपको बोला है कि कल से ही हम कीमो स्टार्ट करेंगे एंड बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, अगर आपने कीमो स्टार्ट नहीं करी 2 दिन में बीमारी और फैल जाएगी। रेडिएशन के लिए उन्होंने बोला गया है कि अब हम पहले इसको ऑपरेट करेंगे और फिर उसके बाद इमीडिएट रेडिएशन शुरू होगी। हाफ हार्टेड अप्रोच आपने ले ली। अगर किसी को लिवर में कैंसर डायग्नोज हुआ, ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, पैंक्रियाज में कैंसर डायग्नोज हुआ, द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर्स टेल यू इज ऑपरेट इट, एंड आपको टाइम नहीं दिया जाता, आपको बोल दिया जाता है कि इसको इमीडिएट रिमूव करिए। क्या ये सही है? क्या ये ऐसा करना चाहिए? द आंसर इज नो। डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जब आपको ये नहीं पता क्या ये कैंसर पिछले 1 हफ्ते में डायग्नोज हुआ है, क्या ये कैंसर पिछले 15 दिन में इतनी तेजी से बढ़ा है, जो अगर पेट स्कैन में आपके जो भी साइज आया है, क्या ये पिछले 1 हफ्ते 15 दिन 1 महीने में बढ़ा है? नहीं, आप भी नहीं जानते। इट हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कैसे, अगर आप ऑपरेशन 15 दिन बाद कराओगे तो क्या 15 दिन में कहानी बिल्कुल पलट जाएगी? क्या 1 हफ्ते बाद अगर आप कराओगे सोच समझ कर, अगर जरूरत है यस कराया जाएगा, लेकिन क्या इमीडिएट 2 दिन की जरूरत है? द आंसर इज नो। टेक योर टाइम। पहले सारे ऑप्शंस एंड ओपिनियंस लो। टेक फर्स्ट ओपिनियन, टेक सेकंड ओपिनियन, टेक थर्ड ओपिनियन, टेक फोर्थ ओपिनियन, एंड देन डू इट। इंपल्सिव डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, दे आर नेवर गोइंग टू वर्क। कभी मत करना ये, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। और फिर बाद में क्या होता है कि बाद में आप फिर परेशान होते हो, डॉक्टर साहब हमने सर्जरी करा ली और हमें बताया नहीं था, अब उन्होंने बोला है कि 6 साइकिल कीमो होगी। पहले आपने क्यों नहीं पूछा? डॉक्टर साहब हमें इमीडिएट उन्होंने बोला कि कल सर्जरी कराओ, कल ही एडमिट हो जाओ और इमीडिएट सर्जरी कराओ। रैदर कुछ हॉस्पिटल में पेट स्कैन होने के बाद अगले दिन बोल देते कल से कीमो स्टार्ट होगी और कल ही सर्जरी होगी। डोंट डू दैट। अगर पेट स्कैन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी कराया है, टेक अ डिस्चार्ज। अगर कंडीशन सही है तो घर जाओ, तसल्ली से 1 हफ्ते का टाइम लो, डिसाइड ऑल द ऑप्शंस एंड देन टेक अ डिसीजन। इट हैज़ टू बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इट हैज़ टू बी अ वेल थॉट आउट डिसीजन। आप जहाँ पर भी सर्जरी करा रहे हो, आप हॉस्पिटल चूज कर रहे हो या आप सर्जन चूज कर रहे हो, अच्छा सर्जन चूज करना है, अच्छा हॉस्पिटल चूज नहीं करना। अच्छा हॉस्पिटल तब चूज करना है जिसकी नर्सिंग केयर अच्छी हो। यू रिक्वायर अ गुड नर्सिंग केयर हॉस्पिटल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, बट अच्छी जो सर्जरी करता है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइकवाइज जब आप कीमोथेरेपी करा रहे हो, आपको चाहिए अनबायस्ड, नॉन बायस्ड क्लिनिकल डॉक्टर, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो नॉन बायस्ड ओपिनियन दे। आपको चाहिए जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में आपके साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बैठा हो, आपके साथ सर्जन बैठा हो, और आप दोनों को सामने मिलाकर पूछो, डॉक्टर साहब मुझे अभी बताइए क्या कलेक्टिव अप्रोच होनी है। ऐसा ना हो कि सर्जन बोल रहा है सर्जरी कराओ, कीमो वाले कह रहे हैं कीमो कराओ। दिस इज नॉट एन 360 डिग्री अप्रोच। इसका मतलब आप पहले एक जगह धक्के खाओगे फिर बाद में दूसरी जगह धक्के खाओगे, और यही होता है हमेशा। टेक अ कलेक्टिव अप्रोच, टेक अ कलेक्टिव ओपिनियन, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन एंड देन चार्ट आउट करना क्या है। पहले सर्जरी होगी, ठीक है डॉक्टर साहब, उसके बाद कीमो होगी, ठीक है डॉक्टर साहब, कितने टाइम बाद कीमो होगी, अच्छा इतने टाइम बाद, 25 दिन के बाद कीमो होगी, ठीक है, कितने साइकिल कीमो होगी, ठीक है, कितने टाइम बाद पेट स्कैन होगा, ठीक है, कितने टाइम बाद पेट स्कैन के बाद हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। पूछते नहीं हो इसलिए तो गड़बड़ होती है, जानते नहीं हो इसलिए तो गड़बड़ होती है। और जब मेरे पास आते हो तो मैं पूछता हूँ ये सब पूछा क्यों नहीं, डॉक्टर साहब हमें पता नहीं था, हमें तो जैसा डॉक्टर्स ने बोला हमने वैसा किया। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, कम से कम जल्दबाजी में लापरवाही मत करिए, कम से कम जल्दबाजी में गलत डिसीजंस मत लीजिए, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। मैं आपके यार दोस्त मित्र होकर आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा, बट आपको अपने डॉक्टर से बात करने के लिए ये हिम्मत जुटानी होगी और ये सवाल पूछने होंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे बात कर सकते हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये मत सोचो कि नहीं मेरे परिवार में तो कोई दोस्त डॉक्टर है नहीं तो मैं किससे पूछूँ,
कोई घबराने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, आपको जो कराने कराओ, मरीज ठीक होना चाहिए, आपके परिवार का सदस्य ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब आप जीतते हो आपकी जीत में मेरी जीत होती है। प्लीज सोच समझ के डिसीजन लीजिए, संभल के डिसीजन लीजिए। ये वीडियो उन जरूर लोगों को भेजिए जिनको अभी लेटेस्ट में हाल फिलहाल में कैंसर डायग्नोज हुआ है, शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे, शायद ये वीडियो उनको फ्यूचर में आने वाले कष्ट से बचा सके, शायद आपका 8th स्टेप उनको जो अंधेरे में गलत डिसीजन ले लेते हैं, अंधेरे में तीर मार देते हैं, उनके लिए शायद ये जिंदगी उनकी बदल सकता है। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।